नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं देश के पहले पॉड टैक्सी के बारे में, देश का पहला पॉड टैक्सी जिसे दरअसल अभी हाल ही में भारत में चलाया जाना है। आज की इस वीडियो में जानेंगे देश का पहला पॉड टैक्सी कहाँ चलाया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो पॉड टैक्सी का कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये जो पॉड टैक्सी है ये एक्चुअली में होता क्या है, इन सभी को आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना ज़्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। चलिए जानते हैं सबसे पहले सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में अपने देश में एक न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की शुरुआत की जा रही है और ये जो नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा इसे कहा जाएगा पॉड टैक्सी, ठीक है। और ये जो पॉड टैक्सी है, यानी कि ये जो देश का पहला पॉड टैक्सी है, ठीक है, इसे चलाया जाना है कहाँ, तो ये ध्यान रखना, इसे चलाया जाएगा उत्तर प्रदेश के नोएडा में, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग बाकायदा जो द डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, यानी कि जो DPR है, और साथ ही साथ इसके रिगार्डिंग जो बिडिंग थी, ठीक है, इन सभी को फाइनली यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि YEIDA के द्वारा फाइनली अब मंजूरी दे दी गई है, जिसे आप यहाँ पर ट्वीट में भी देख सकते हो, जो कि द उत्तर प्रदेश इंडेक्स के द्वारा किया गया था। इसके अंतर्गत भी यही बताया गया है कि जो यमुना अथॉरिटी है इसने फाइनली अपना अप्रूवल दे दिया गया है, जो रिवाइज्ड DPR थी और जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स थे इन सभी पर अपनी अप्रूवल दे दी गई है। साथ ही ध्यान रखना, यह जो देश का पहला पॉड टैक्सी होगा यह असल में नोएडा एयरपोर्ट से होते हुए, ठीक है, जो वहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको लेते हुए जाएगी कहां तक, फिल्म सिटी तक। यहाँ पर आप देख सकते हो जो इंडिया टुडे की रिपोर्ट है इसमें भी बाकायदा ये बताया गया है कि यह जो पॉड टैक्सी है यह तकरीबन 12 स्टेशंस को कवर करेगी, जिसकी शुरुआत फिल्म सिटी सेक्टर 21 से होगी और फाइनली यह जाएगी कहाँ, दैट इज़ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि जेवार में है, ठीक है। इसके साथ ही साथ यह जो पॉड टैक्सी है, ठीक है, इसकी कुल लंबाई तकरीबन 14.6 किलोमीटर तक की होगी, जो कि अब तक यह दुनिया की सबसे लंबी रूट भी होगी, ठीक है। यानी कि दुनिया के सबसे लंबे रूट पर जो पॉड टैक्सी चलाया जा रहा है वो अब भारत में होगा, जो कि 14.6 किलोमीटर तक का होगा। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि यह जो पॉड टैक्सी है इसे एक्चुअली में विकसित किया गया है इंडियन पोर्ट रेल और साथ ही साथ रोपवे कोऑपरेशन लिमिटेड के द्वारा। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट को वर्ष 2024 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत, यानी कि ये जो पॉड टैक्सी होगी इसकी मदद से तकरीबन एक दिन में 37,000 यात्री इसमें सफर कर सकते हैं। इसके अलावा यह जो पॉड टैक्सी होगी इसका जो किराया है यह रखा गया है ₹8 प्रति किलोमीटर, यानी कि हर एक किलोमीटर का आपको ₹8 किराए के तौर पर चार्ज किया जाएगा। इसके साथ ही साथ यह जो पॉड टैक्सी है यह तकरीबन हर एक 20 सेकंड्स पर आपको स्टेशन पर उपलब्ध मिलेगी। इसके रिगार्डिंग वैसे तो सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर ली गई हैं, बट अब फाइनली उत्तर प्रदेश सरकार की मंजूरी का इंतजार है। जैसे ही एक बार ही उत्तर प्रदेश सरकार की मंजूरी इसको इसे दे दी जाएगी, वैसे ही इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखना है यह जो प्रोजेक्ट है, यह जो परियोजना है, इसका जो कॉस्ट है यह तकरीबन ₹810 करोड़ बताया गया है। इसके अलावा अगर हम विश्व की बात करें तो दुनिया में तकरीबन 18 देशों के द्वारा यह जो पॉड टैक्सी का कॉन्सेप्ट है इसे शुरुआत किया गया था, बट एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो तकरीबन 5 देशों में ही यह जो पॉड टैक्सी है यह सही तरीके से संचालित की जा रही है। 2011-12 की रिपोर्ट के अनुसार भी यह बताया गया था कि जो लंदन का पॉड टैक्सी है, ठीक है, यह काफ़ी मुनाफे में चल रहा है, जबकि जो अबू धाबी का जो पॉड टैक्सी का प्रोजेक्ट था वह काफ़ी घाटे में चल रहा है। तो जो जो मतलब जिस जिस देश में इसकी शुरुआत की गई अगर वहाँ घाटे में जा रहा है तो फाइनली बाद में इसे बंद कर दिया जा रहा है, और कुछ एक ऐसे देश हैं जहाँ पर यह जो पॉड टैक्सी का कॉन्सेप्ट है यह काफ़ी सक्सेसफुल रहा है तो वहाँ अभी भी इसे चलाया जा रहा है। इसके अलावा आइए जानते हैं क्या होता है पॉड टैक्सी। ये जो पॉड टैक्सी है एक प्रकार का छोटा सा ऑटोमेटिक कार होता है, ठीक है, एक्चुअली में EV होता है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ठीक है, जो कि बिना ड्राइवर का चलता है। साथ ही इसकी गति काफ़ी बेहतरीन होती है, इसमें जो पैसेंजर्स की संख्या है वह भी फिक्स होती है, चूंकि गति बेहतरीन होती है इसकी वजह से एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर जाने में समय भी काफ़ी कम लगता है। इसके अलावा ये जो पॉड टैक्सी है इसे एक्चुअली में स्टील फ्रेम का जो रॉड बनाया जाता है, ठीक है, उसी पर इसे चलाया जाता है। साथ ही साथ ये जो पॉड टैक्सीज होती है या एनवायरमेंट फ्रेंडली काफ़ी होती हैं, ठीक है, और यही वजह भी रही है कि कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पर यह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बेहतरीन उदाहरण भी बन करके सामने आया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसके अंतर्गत हमने बात की देश के पहले पॉड टैक्सी के बारे में। आशा और उम्मीद कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।